महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ईडी को दिया है बयान। परमवीर सिंह है एंटीलिया बॉम्ब केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस के मास्टरमाइंड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में अनिल देशमुख, पिछले साल नवंबर में ईडी को दिया था बयान। देशमुख ने यह आरोप भी लगाया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ब्रीफिंग में गलत जानकारी दी और तथ्य भी छुपाए। परमवीर सिंह का सनसनीखेज आरोप, सचिन वाजे को कपड़े उतरवाकर जेल में किया गया है प्रताड़ित। देशमुख के खिलाफ बयान वापस लेने को बनाया गया है दबाव। परमवीर सिंह ने ईडी को दिया है यह बयान। बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने हत्या की कोशिश के मामले में सिंधुदुर्ग कोर्ट में किया है आत्मसमर्पण। 4 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। ठाणे में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की बार का लाइसेंस रद्द किया गया। 17 साल की उम्र में वानखेड़े को लाइसेंस मिलने की नवाब मलिक ने की थी शिकायत। नेशनल एंथम के अपमान करने के मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को तलब किया है। बीजेपी से जुड़े एक वकील ने की थी शिकायत। गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उम्मीदवारों को दिलाई है पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ। 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग वाले नागपुर में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर नागपुर पुलिस ने विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। नागपुर पुलिस ने जांच में पाया है कि हिंदुस्तानी भाई के वीडियो के बाद ही इकट्ठा हो गए थे छात्र और पहुंचाया था सरकारी संपत्ति को नुकसान। 2 दिन बाद मुंबई में आए हैं 1000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 1128 नए मामले, 10 की मौत। दुबई में खत्म की गई ज्यादातर पाबंदियां, समंदर किनारे नजर आने लगे हैं लोग। आईपीएल नीलामी से पहले युजवेंद्र चहल ने आरसीबी में ही रहने की जताई है ख्वाहिश। विराट कोहली से अच्छे संबंधों का हवाला दिया। बजट के बाद से शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी। बुधवार को सेंसेक्स 695 अंक और निफ्टी 203 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ। 2021-22 में भारत की टॉप 5 आईटी कंपनीज करेंगी रिकॉर्ड हायरिंग। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल सभी करीब 2 लाख फ्रेशर्स को नौकरियां देंगे। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में जोरदार उछाल आने का अनुमान है। गूगल और एयरटेल की भागीदारी के बाद बढ़ा है भरोसा। जनवरी में टाटा मोटर्स ने की रिकॉर्ड बिक्री, 40,000 से ज्यादा यूनिट्स को बेचकर किया है शानदार प्रदर्शन। ईडी ने आज महाराष्ट्र के एक बिजनेसमैन प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तारी एक जमीन घोटाले में हुई है, लेकिन इसकी आंच शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत तक पहुंच सकती है। प्रवीण राउत को संजय राउत का बेहद करीबी माना जाता है। ईडी के अधिकारियों की गिरफ्त में मौजूद अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते इस शख्स का नाम प्रवीण राउत है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने 1034 करोड़ रुपए के एक जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया है। प्रवीण राउत गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के निदेशकों में से एक है। गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड SGIL की सब्सिडरी कंपनी है, जिसके खिलाफ PMC बैंक से जुड़े 4300 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी और दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं। मंगलवार को ईडी ने मुंबई और पालघर में प्रवीण राउत के घर और दफ्तरों पर छापे मारे थे। इसके बाद राउत को मंगलवार शाम को मुंबई में ईडी के दफ्तर लाया गया। पूछताछ में राउत ने सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नामक एक कंपनी में डायरेक्टर थे। इस कंपनी में सारंग और राकेश वाधवान, जो कि PMC बैंक स्कैम में मुख्य आरोपी हैं, वो भी डायरेक्टर थे। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को म्हाड़ा के तहत पात्राचाल भूखंड को रिडेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उन्हें 3000 फ्लैट बनाने थे, पर इसे डेवलप ना करते हुए इस पूरे भूखंड को इस कंपनी ने और इनके डायरेक्टर्स ने अन्य बिल्डर्स को बेच दिया। 1034 करोड़ में इस पूरे भूखंड को बेच दिया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस EOW ने एक केस दर्ज किया और 2020 में प्रवीण राउत को अरेस्ट भी किया गया। आपको बता दें कि प्रवीण राउत को संजय राउत, जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनका करीबी भी माना जाता है। पिछले साल प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति PMC बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की जा चुकी है। ईडी ने तब कहा था कि राउत ने SGIL के जरिए PMC बैंक से 95 करोड़ रुपए लोन और एडवांस की शक्ल में साफ किए। पिछले साल ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से PMC बैंक घोटाले और प्रवीण राउत की पत्नी से उनके संबंधों और दोनों के बीच हुए ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की थी।
ईडी ने उस समय कहा था कि प्रवीण राउत ने पीएमसी बैंक से निकाले रुपयों में से अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1,60,00,000 रुपए दिए थे, जिसमें से माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55,00,000 बतौर ब्याज मुक्त लोन ट्रांसफर कर दिए। इस रकम से दादर ईस्ट में एक फ्लैट खरीदा गया। इस बारे में पूछताछ के लिए माधुरी राउत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, वर्षा राउत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और प्रवीण राउत का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। अब भी ईडी ये छानबीन कर रही है कि कहीं कोई और लेन देन संजय राउत के रिश्तेदार और प्रवीण राउत के रिश्तेदारों के बीच तो नहीं हुआ, और इसी के तहत आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रवीण राउत को करीब 9 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। गोवा में 26% से ज्यादा ईसाई समुदाय के वोटर्स हैं। हर पार्टी की कोशिश इन्हें अपने पाले में खींचने की है। आइए देखते हैं कि इनका साथ पाने के लिए राजनीतिक दल कौन से पासे फेंक रहे हैं। छोटे से राज्य गोवा में चुनाव प्रचार जोर शोर पर है। कांग्रेस और बीजेपी खुद को ईसाइयों का मसीहा बताने में लगे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी स्वभाव से ही एंटी माइनॉरिटी है और ईसाइयों के प्रति उसकी चिंताएं फर्जी हैं। बीजेपी इज जस्ट यूजिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन गोवा। व्हेन द क्वेश्चन केम ऑफ मेकिंग द चीफ मिनिस्टर, मिस्टर फ्रांसिस डिसोजा वॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आफ्टर मिस्टर मनोहर परिकर। Then naturally, the deputy chief minister should have become the chief minister. So when it comes to giving the key positions, they will never do that. If that was the case, why till now none of the person from minority community has become the president of BJP in Goa or the chief minister? कांग्रेस ने साल 2012 में 11 ईसाई उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 2017 में गठबंधन में रहते हुए 17 ईसाई उम्मीदवार उतारे थे। अब 2022 में भी 17 ईसाई प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी कह रही है कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हैं। हमारी पार्टी साल दर साल चुनाव में ईसाई प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाती जा रही है। ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी रिलीजन को, कास्ट को लेकर किसी बात का चयन नहीं करता। अगर हम देखें तो 2012 से लेकर 2022 तक 2012 में 6 कंटेस्टेंट थे, 2012 में 7 हुए, आज 2022 में 13 कंटेस्टेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। और जहाँ तक पार्टी में है, पार्टी का जो पदाधिकारी होता है वो हम परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के आधार पर, जो क्षेत्र है उसके आधार पर करते हैं। और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के इनफ रिप्रेजेंटेशन हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, हमारे विधायक दल में भी है, कैबिनेट में भी है। बीजेपी ने साल 2017 में जितने कैथोलिक उम्मीदवारों को टिकट दिया था सभी जीत कर आए थे। तो गोवा में एक तरह से ये माना जाने लगा था कि हिंदूवादी पार्टी की छवि रखने वाली बीजेपी को ईसाइयों ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे बड़ी वजह थे मनोहर परिकर, जिन्होंने ईसाई समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाए और अपने कार्यकाल में चर्चों को अच्छी ग्रांट दी। एंटोनियो फर्नांडीज ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता तो कांग्रेस के टिकट पर था, पर चले आए बीजेपी में। अब इनकी माने तो बाकी समुदायों की तरह ईसाइयों के लिए भी बीजेपी से बेहतर पार्टी नहीं है। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज माय कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कंसर्न, आवर सीएम हैज गिवन मी मेनी स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज, मेनी स्कीम्स। व्हाट आई हैव डन माय लीडर्स नोज, द रिलीजियस लीडर्स नोज, and it is a must that our minority people should be in BJP. It is must, and they know what I have done for our minority committee. उम्मीदवार कोई भी हो, वो तो अपनी पार्टी की ही गाएगा, पर वाकई में ईसाई समुदाय क्या सोचता है, हमने ये जानने की कोशिश की फादर सेवियो से, जो आर्गुडीज ऑफ गोवा की सोशल वर्क विंग से जुड़े हैं। For the minority community, specifically speaking, there has not been much that has been done. Things are still pending. The minority commission, which has been demand from the last election, is still continuing till today. And also the representations of the minority community in selection for the government jobs is still lacking till today.
मनोहर पर्रिकर की कमी भारतीय जनता पार्टी को आज बहुत ज्यादा महसूस हो रही होगी, क्योंकि भाजपा की वो की स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब सवाल यही है, जैसे 2012 में और 2017 में मनोहर पर्रिकर की वजह से भाजपा को कैथोलिक वोट्स मिले थे, क्या 2022 में मिल पाएंगे? भाजपा का कहना है कि उसके पास सारे विनेबल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा इस बार एंटी इनकम्बेंसी मूड जो है उसको मात नहीं दे सकती। 10 मार्च के परिणाम